देश में स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में माय गवर्नमेंट के साझेदारी में MHRD दैट्स मीन नाउ शिक्षा मंत्रालय ने देश भर में स्कूली छात्रों माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक दैट्स मीन 9 to 12 छात्रों के लिए एक ऑनलाइन लेखन प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। इस आयोजन के लिए NCERT नोडल एजेंसी होगी। नमस्कार, मैं कविता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कविता इज एयर पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जैसा कि मैंने अभी बताया, उसी के रिगार्डिंग डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी का ट्वीट भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का ये कंटेंट स्टार्ट करते हैं। निबंध लेखन के लिए मुख्य विषय अर्थात आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत के अंतर्गत उप विषय इस प्रकार है। तो आप समझ गए होंगे कि मेन टॉपिक क्या है। मेन टॉपिक है आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत, और इसके अंतर्गत उप विषय सब टॉपिक्स भी हैं जिसके बारे में विवरण निम्न प्रकार से है। फर्स्ट वन, आत्मनिर्भर भारत के लिए भारतीय संविधान और हमारा लोकतंत्र सबसे बड़े हिमायती हैं। सेकेंड, 75 साल का भारत आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता देश। थर्ड, एक भारत श्रेष्ठ भारत के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत। विविधता में एकता होने पर नवाचार फलता फूलता है। नेक्स्ट वन, डिजिटल इंडिया, COVID-19 और उसके बाद अवसर। नेक्स्ट वन, नंबर 5, आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय विकास में छात्रों की भूमिका। नेक्स्ट वन, नंबर 6, आत्मनिर्भर भारत लिंग जाति और जातीय पूर्वाग्रहों से मुक्ति। 7, आत्मनिर्भर भारत जैव विविधता और कृषि समृद्धि के माध्यम से नए भारत का निर्माण। और 8, जब मैं अपने अधिकारों का प्रयोग करता हूँ तो मुझे आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपने कर्तव्यों का पालन करना नहीं भूलना चाहिए। नेक्स्ट वन, मेरी शारीरिक तंदुरुस्ती ही मेरी दौलत है जो आत्मनिर्भर भारत के लिए मानव पूंजी का निर्माण करेगी। नेक्स्ट वन, नंबर 10, आत्मनिर्भर भारत के लिए समुद्र से लेकर हरियाली संरक्षण करें। निबंधों का चयन 2 स्तरों पर किया जाएगा। ओके, फर्स्ट वन, सबसे पहले राज्य केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर निबंधों को अंतिम चयन किया जाएगा। दूसरा, प्रत्येक राज्य से चयनित 10 निबंधों से NCERT द्वारा तय विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर अंतिम चयन के लिए चयनित निबंधों का पूल बनेगा। NCERT द्वारा प्रत्येक श्रेणी यानी माध्यमिक चरण और उच्चतर माध्यमिक चरण। तो माध्यमिक चरण क्या हो गया आपका? माध्यमिक चरण आपका हो गया 9 to 10th, और उच्च माध्यमिक चरण आपका हो गया 11 to 12th। ओके, में चरण में 30 निबंधों का चयन किया जाएगा। जल्द ही राष्ट्रीय स्तर के विजेताओं के लिए पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी। Now we talking about very important part of this announcement. That's mean entries valid till 14th of August. छात्र 14th of August 2020 तक नीचे दिए गए लिंक पर अपने आवेदन जमा कर सकते हैं, और रिगार्डिंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहां विजिट करके सक्सेसफुली आप अपनी एंट्रीज जो है सेंड कर सकते हैं। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। गुड लक इन एडवांस।